दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हुए जिन्हें एक वक्त पर खूब स्टारडम मिला, पर उनकी सफलता लंबे वक्त तक नहीं टिक पाई। कभी ये कलाकार डायरेक्टर प्रोड्यूसर की पसंद पहली पसंद हुआ करते थे, पर एक वक्त के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया। कुछ कलाकारों के लिए तो हालात इतने बदतर हो गए कि उनकी जिंदगी आर्थिक तंगी और बदहाली में गुजरी। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बीते दौर की एक मशहूर कलाकार रही अभिनेत्री विमी की बात करने जा रहे हैं। एक वक्त था जब एक्ट्रेस विमी के पास खूबसूरती, पैसा, शोहरत सब कुछ था, पर धीरे धीरे उनके हाथों से ये चीजें फिसलने लगी। उनके आखिरी वक्त में इंडस्ट्री से भी किसी ने उनकी मदद नहीं की और विमी की मौत के बाद उनकी शव यात्रा एक ठेले पर निकालनी पड़ी थी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए बीते दिनों की अभिनेत्री विमी की दास्तां। हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े अनछुए पहलुओं से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिससे विमी को तकलीफें झेलनी पड़ी थी। अभिनेत्री विमी का जन्म सन 1943 में पंजाब के जलंधर में हुआ था। इनका परिवार काफी सपोर्टिव था और अपने कॉलेज के दिनों से ही विमी ने ऑल इंडिया रेडियो पर प्रोग्राम्स करना शुरू कर दिए थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद विमी की शादी एक धनी परिवार में करवा दी गई थी। उस वक्त उनकी जिंदगी किसी परी कथा जैसी मालूम होती थी। एक अच्छा परिवार, प्यार करने वाला पति और दो प्यारे बच्चे, विमी के पास सब कुछ था। शादी के बाद वो अपने पति और बच्चों के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई थी। यहां आकर उनकी जिंदगी तब बदली जब उनकी मुलाकात एक पार्टी के दौरान मशहूर फिल्म निर्माता बीआर चोपड़ा से हुई। बीआर चोपड़ा पहली ही मीटिंग में विमी की खूबसूरती के कायल हो गए थे। चोपड़ा ने बिना दूसरी बार सोचे ही अपनी फिल्म हमराज के लिए उनको साइन कर लिया। विमी के लिए यह अवसर खुद भी काफी सरप्राइजिंग था। उन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए हामी भर दी। आपको बता दें कि फिल्म हमराज 1968 में रिलीज हुई थी और अपने समय की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दर्शकों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री सभी विमी की खूबसूरती और अभिनय के कायल हो चुके थे। हमराज की सफलता ने उनको रातों रात एक फिल्म स्टार बना दिया था। इस फिल्म के बाद विमी को कई अच्छे ऑफर्स मिले। बात उनकी फिल्मों की करें तो उन्होंने हमराज, आबरू, नानक नाम जहाज है, पतंगा, गुड्डी, कहीं आर कहीं पार, क्रोधी, प्रेमी गंगाराम, कहानी हम सबकी, वचन जैसी फिल्मों में काम किया है। विमी का करियर साल 1967 से लेकर 1974 तक खूब चला, पर उसके बाद उनके लिए परिस्थिति विपरीत होने लगी। फिल्म हमराज के बाद विमी बड़ी हीरोइनों की लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनको कई फिल्में ऑफर करना चाहते थे, पर तब तक उनके पति ने उनके करियर में दखलंदाजी करना शुरू कर दिया था। विमी के पति उनसे जुड़ा हर फैसला लेते थे, इन पर कड़ी नजर भी रखते थे कि वो किस डायरेक्टर से मिल रही हैं, कहां जा रही हैं। इस दखलंदाजी से विमी के काम में समस्या होने लगी। पति के कारण उनके स्टारडम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। कुछ तो ये भी मानते हैं कि उनके पति उनको काफी प्रताड़ित भी किया करते थे। अपनी पारिवारिक कलह से तंग आकर विमी ने पति को छोड़ने का मन बनाया। हालांकि जब तक विमी पति से अलग हुई तब तक उन्हें काम मिलना भी कम होने लगा था। उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स से गुहार लगाई, पर दुख की बात यह है कि विमी को कहीं से मदद नहीं मिली। लाचारी और आर्थिक तंगी के कारण धीरे धीरे विमी शारीरिक और मानसिक स्तर पर टूटने लगी थी। उन्हें शराब की बुरी लत लग गई। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद को नशे का आदी बना लिया। कभी आलिशान घर, शानो शौकत, स्टारडम में जीने वाली इस अभिनेत्री को आर्थिक तंगी के चलते अपने बंगले को छोड़ना पड़ा था। महीने के लाखों कमाने वाली विमी पाई पाई की मोहताज हो चली थी। दुख की बात यह है कि उनके पति और कलीग्स सभी ने उनसे अपना पलड़ा झाड़ लिया था। कुछ रिपोर्टर्स तो ये भी कहते हैं कि अपने आखिरी वक्त से पहले विमी ने खुद को प्रोस्टिट्यूशन की ओर धकेल दिया था। अपने आखिरी दिनों में विमी नानावती हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भर्ती थी। 22 अगस्त सन 1977 को अभिनेत्री विमी ने अपनी आखिरी सांस वहीं ली। विमी की मौत का कारण शराब का अत्यधिक सेवन बताया गया। दोस्तों, विमी से जुड़ी सबसे दुखद बात यह है कि लाखों रुपए कमाने वाली इस अभिनेत्री की आखिरी यात्रा में इंडस्ट्री का कोई भी शामिल होने नहीं आया। उनके शव को ठेले पर लेटाकर शमशान पहुंचाना पड़ा था। आपको बता दें कि महज 34 साल की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। मानो अपनी जिंदगी में चल रही कठिनाइयों से जूझने की ताकत वो खो चुकी थी। विमी पंजाब के एक समृद्ध परिवार में जन्मी थी। उनकी शादी कोलकाता के एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट शिव अग्रवाल से हुई थी। विमी के बेटे का नाम रजनीश भारती है। हालांकि इंटरनेट पर उनके परिवार से जुड़ी अधिक जानकारियां उपलब्ध नहीं है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि एक भरा पूरा परिवार होने के बावजूद विमी को आखिरी वक्त में कोई कंधा देने वाला भी नहीं था।
तो ये थी अभिनेत्री विमी के जीवन से जुड़ी जानकारियां। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस सेलेब से जुड़ी बायोग्राफी आने वाली वीडियो में देखना पसंद करेंगे। ऐसी और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।